Hello, my dear students. We are back together. This is your SST teacher, Varsha Sharma, and we are together to study Chapter 7 of Class 7, which is Tribal Communities. This chapter belongs to History subject. So let's begin our chapter first of all. इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब ट्राइब से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ट्राइब्स क्या क्या होती हैं, मिडाइवल पीरियड के टाइम पे क्या कौन कौन सी ट्राइब्स थी, ट्राइबल पीपल की लाइफ किस तरह से होती थी, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती थी, वो वर्क क्या क्या करते थे. नेक्स्ट के कल्चरल चेंजेस क्या क्या आए ट्राइब्स में, टाइम के साथ कैसे कैसे ट्राइब्स में चेंजेस आए, उनके स्टैंडर्ड्स में, उनके लिविंग वे में चेंजेस जो आए उस बारे में हम पढ़ेंगे. और कुछ ट्राइब्स के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे केस स्टडी में, ठीक है. जैसे कि गोंड्स एंड अहोम्स, तो ये एक मेजर ट्राइब्स जिनकी बात हो रही है वो गोंड्स और अहोम्स है, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. अदरवाइज काफ़ी सारी ट्राइब्स जो उस टाइम पे पॉपुलर थी मिडाइवल पीरियड में, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइब क्या होती है, तो इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में आपकी ट्राइब की डेफिनेशन दी हुई है. अ ट्राइब इज अ होल सोसाइटी, एक ट्राइब जो होती है वो पूरी एक सोसाइटी होती है. उस सोसाइटी की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, टेरिटरी मतलब एरिया होता है उनका जहाँ पर वो रहते हैं, कल्चर होते हैं, लॉज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ट्राइब बनाती है. ट्राइब एक पूरी सोसाइटी होती है और उनकी ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट, जो ट्राइबल मेंबर्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है और वो आपस में मिलजुल के रहते हैं. इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, दे आर यूनाइटेड बाय द बॉन्ड्स ऑफ किनशिप. सो बॉन्ड्स ऑफ किनशिप मतलब कि वो फैमिली से रिलेटेड हैं या फिर क्लोज रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज उनकी एक ही तरह की चीज़ें फॉलो करती हैं, इसी वजह से दे आर यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स ऑफ किनशिप. फैमिली मेंबर, फैमिली रिलेशंस की वजह से वो बॉन्डेड रहते हैं. जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करते हैं और आपस में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता उनमें. जो ट्राइबल मेंबर्स होते हैं दे डू नॉट डिफरेंशिएट ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ और द कास्ट, ठीक है. इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे कभी भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ट्राइबल कम्युनिटी में, क्योंकि वो एक पूरी सोसाइटी की तरह ट्रीट की जाती है बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, ठीक है. जितने भी रिसोर्सेज हैं ट्राइबल पीपल के, वो क्या क्या होते हैं, लैंड, कैटल, फॉरेस्ट, ये सारे रिसोर्सेज हैं उनके, तो ये सारे रिसोर्सेज कलेक्टिवली ओन किए जाते हैं बाय द ट्राइबल मेंबर्स. ट्राइबल मेंबर्स इन सभी रिसोर्सेज को कलेक्टिवली, उनका हक होता है इन सभी चीज़ों पे. कलेक्टिवली हक होने का मतलब कि जैसे उनका जो भी लैंड है टोटल ट्राइबल कम्युनिटी में, जो भी लैंड है उस पर सभी ट्राइबल मेंबर्स का अधिकार होगा, ठीक है. किंगडम्स एंड एम्पायर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्राइब. जितने भी किंगडम्स और एम्पायर्स आए हैं हमारी हिस्ट्री में वो ट्राइब्स से ही उभरे हैं. हमारी एंशियंट सोसाइटी की बात की जाए तो काफ़ी सारी ट्राइब्स हमको मिक्स होती नज़र आ रही हैं. मेजरली हमारे एंशियंट सोसाइटी में दो ट्राइब्स की मिक्सिंग से पूरी सोसाइटी फॉर्म हुई थी, विच वर आर्यन ट्राइब्स एंड द्रविडियन सिविलाइजेशन. तो ये दो ट्राइब्स के मिक्सिंग से हमारी पूरी एंशियंट सिविलाइजेशन फॉर्म हुई थी. द टर्किश एंड द मुस्लिम रूलर्स हु इन्फ्लुएंस्ड आवर कल्चर फॉर सेंचुरीज बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया. जो टर्किश और मुस्लिम रूलर्स थे वो सेंट्रल एशिया की काफ़ी सारी ट्राइब्स से बिलोंग करते थे. मिडाइवल पीरियड की बात की जाए तो वहाँ उस समय पे फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आने लगा, फॉरेस्ट को कट किया जाता था, लैंड क्लियर किया जाता था ताकि वहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सके. अब इस घटना के होने से जब लैंड फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाएगा तो क्योंकि ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में रहते थे तो ट्राइबल पॉपुलेशन को वहाँ से मूव करना पड़ा. उनके जो घर थे, उनके जो होम्स थे वो ख़त्म हो गए सारे और वो एक्सपोज हो गए नॉर्मल पीपल में. अदरवाइज वो जंगलों में, फॉरेस्ट में आराम से रह रहे थे, बट जैसे ही अपरूटिंग हुई, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया कल्टीवेशन के लिए, तो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पर रहते थे वो एक्सपोज हो गए दूसरे नॉर्मल वर्ल्ड के लिए, ठीक है. उनको न्यू कल्चर्स देखने को मिले, ट्राइबल पीपल को भी नई चीज़ें देखने को मिली और हमें भी वो ट्राइबल पीपल देखने को मिले उस टाइम पर. There were tribes that left their nomadic lives and became farmers. अब कई सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने अपनी nomadic life, जो उनकी बेसिक डेली लाइफ स्टाइल थी, जो वो वर्क करते थे उसको छोड़ कर वो फार्मर्स बन गए, कुछ लोग क्राफ्टमैन बन गए. अदरवाइज वो nomadic नेचर के हुआ करते थे. nomadic मतलब जगह जगह घूम घूम कर अपनी डे टू डे लाइफ स्पेंड करना और वर्क करना, ठीक है. पहला उनका प्रोफेशन कुछ इस तरह का था.
टाइम के साथ जैसे अपरूटिंग हुई, सिविलाइजेशन चेंज हुआ, तो कुछ जो ट्राइबल पीपल थे दे बिकेम फार्मर्स एंड अदर्स बिकेम आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. आर्टिसंस मतलब कुछ पर्टिकुलर आर्ट को फॉलो करने वाले, परस्यू करने वाले. क्राफ्ट्समैन मतलब क्राफ्ट रिलेटेड कोई वर्क करने वाले. ठीक है, तो अलग अलग जो प्रोफेशंस उन्होंने अक्वायर किए या फिर ये कह सकते हैं कि अडॉप्ट किए जो प्रोफेशंस, वो उन्हीं पे बेस्ड थे जो कि काम वो पहले से किया करते थे. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी नई फील्ड में जा रहे हैं, कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, अगर आप अपनी सिटी छोड़कर कहीं और सेटल होने जा रहे हैं, तो आप इस तरह का जॉब ढूंढेंगे, आप इस तरह का जॉब ढूंढेंगे जहाँ जो कि आप इजीली कर सकते हैं, जो आप पहले से करना जानते हैं उसी तरह का जॉब आप ढूंढेंगे. ठीक है, तो वही से हमको पता चलता है कि जो ट्राइबल पीपल थे वो जैसे ही नॉर्मल लाइफ में आए, नॉर्मल लोगों के बीच में आए, नॉर्मल सभी होते हैं, बट उनकी लाइफ से ये चीज़ नहीं थी. उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही अलग थी. वो जंगलों में रहते थे, उनके एक स्पेसिफिक डिफरेंट ट्रेडिशन से फॉलो करते थे वो, उनकी लैंग्वेज अलग हुआ करती थी. बट जब वो दूसरे नए लोगों के बीच में आए जो कि कुछ अलग तरह की लाइफस्टाइल जी रहे थे जैसे कि आप हम, तो वो जब इस तरह की सिविलाइजेशन में आए तो उन्होंने अपने आप में चेंजेस लाए और उसी अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोफेशंस अडॉप्ट किए. कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो सेटल्ड लाइफस्टाइल में आ गए. सेटल्ड लाइफ मेड ट्राइबल पीपल मोर ट्राइबल सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉट अबाउट चेंजेस. अब सेटल्ड लाइफस्टाइल की कुछ ट्राइबल पीपल को आदत नहीं थी, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ी. उनकी लाइफ में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आई. कई केसेस में जो ट्राइबल पीपल थे वो पावरफुल स्टेट बन गए, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो पावरफुल स्टेट्स बन गए या किंगडम्स बन गए. बट कुछ ऐसी ट्राइब्स भी थी जिन्होंने कल्चरल और सोशल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करा, जो कि रूलिंग क्लास ने उनके लिए बनाए हुए थे, उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया और उन्होंने अपनी खुद की लाइफस्टाइल जो उनकी ओरिजिनली थी उसी को फॉलो किया कई सेंचुरीज तक. ठीक है, काफ़ी समय तक उन्होंने अपनी जो पुरानी सेंचुरीज पुरानी लाइफस्टाइल थी उन्हीं को फॉलो किया, क्योंकि वो इस बात पर उनका दृढ़ निश्चय था कि नहीं, हमें हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें हमको छोड़ना नहीं है, हम उन्हें ही फॉलो करेंगे. अब कुछ कई सारी ट्राइब्स तो ऐसी थी जो एग्रीकल्चर में एंगेज थी या फिर हंटिंग गैदरिंग किया करती थी. हंटिंग गैदरिंग का मतलब है एनिमल्स को हर्ट करना, हंट करना और गैदर करके उनको या तो सेल करना या फिर उनको खुद के डेली यूज ईटिंग के लिए या खुद की यूजेज के लिए कंज्यूम करना उनके डिफरेंट पार्ट्स को. ठीक है, दैट इज हंटिंग गैदरिंग. तो जितने भी ट्राइबल पीपल थे वो या तो एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे या हर्डिंग करते थे. हर्डिंग का मतलब है एनिमल्स को पालना और फिर उनके बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करना. फॉर एग्जांपल शीप को पालते हैं तो उसकी वूल यूज़ होती है और मीट यूज़ होता है, मिल्क यूज़ किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं किसी भी एनिमल में जो कि हर्ड किया जाता है. ठीक है, हर्डिंग करना मतलब पालना. तो कई सारे ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चर वर्क करते थे, हंटिंग गैदरिंग या हर्डिंग करते थे. कुछ ट्राइबल पीपल नोमैड्स थे. नोमैड्स मतलब दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हाइल अदर्स लिव्ड इन फॉरेस्ट. कुछ थे जो फॉरेस्ट या हिल्स डेजर्ट में रहते थे. अदर सच प्लेसेस दैट वर डिफिकल्ट टू रीच. ऐसी जगहों पर रहा करते थे ट्राइबल पीपल जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है ताकि उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, कोई बाहर के लोग उनको परेशान नहीं करें. ठीक है, सो समटाइम्स द ट्राइब्स एंड द रूलिंग सोसाइटीज क्लैश्ड विद ईच अदर. कई बार ऐसा होता था कि जो ट्राइबल ग्रुप रूलिंग सोसाइटी की बात नहीं मानता था और अपनी ही बात फॉलो करते थे, अपने ही ट्रेडिशंस फॉलो करते थे, उनके बीच में और रूलिंग सोसाइटी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जाया करते थे. बट दोनों जो ट्राइबल पीपल हैं और रूलिंग सोसाइटी है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी रहते थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल उनको मटीरियल प्रोवाइड करते थे. फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे या हर्डिंग करते थे, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो होती है वो, या फिर हंटिंग गैदरिंग में जो एनिमल्स का मीट यूज़ किया जाता है वो चीज़ें, एनिमल्स के पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, स्किन यूज़ की जाती है, वो किसके रूलिंग पार्टीज के यूज़ में आती थी. दैट इज़ वाई वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी थे, बट उनमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाया करते थे. अब हम स्पेसिफिकली मिडाइवल पीरियड में जितनी भी ट्राइब्स हुआ करती थी उनके बारे में पढ़ेंगे कि मिडाइवल पीरियड में कौन कौन सी ट्राइब्स थी और कौन कौन से एरियाज से वो बिलोंग करती थी. अगर आप इस चार्ट को देखें, ये देखिए नीचे जो चार्ट दिया हुआ है इसमें मेंशन है प्रॉपरली इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स थी. फर्स्ट इज खोखार्स एंड घक्कर्स. ये ट्राइब बिलोंग करती है पंजाब से.
Then there is Langas and Arguns. They belong to Multan and Sindh. Next आते हैं Ahoms, Nagas, Khasis. North East India से ये belong करती है tribe. हमारे North East India में ये tribal groups पाए जाते थे. Next जो tribe आती है वो है Chiros. Chiros present थे बिहार और झारखंड में. Mundas and Santhals ये झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम एंड बंगाल में present थे. फिर आती है Kolis tribe. ये present होती है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात में. अब साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी कई सारी ट्राइब्स देखने को मिली हमें, विच वर कोरागास, मारवास, मारवाड़, बड़गास. ठीक है, ये बड़गा ट्राइब होती है, हिंदी वर्ड है बड़गा. ठीक है, ये वर्ड पढ़ रहे हैं तो बड़गा जो ट्राइब है, हिंदी वर्ड बड़गा है, स्पेलिंग में हम ऐसे लिखते हैं बड़गास. तो बड़गास और टोडास भी साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे. सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो वहां पर एक ट्राइब पाई जाती है भील. भील आपने वर्ड सुना होगा, काफी कॉमन वर्ड है ये, और ये काफी पॉपुलर ट्राइब है क्योंकि ये इसी वजह से हमने नाम सुना है इस ट्राइब का. ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया. नेक्स्ट है गोंड्स. गोंड्स ट्राइब के बारे में मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी बताया था कि गोंड्स ट्राइब के बारे, गोंड्स की जो ट्राइब थी, गोंड ट्राइब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि केस स्टडी में हमको पूरी अच्छे से समझाया हुआ है कि ये ट्राइब किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करती थी और इनका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल किस तरह की थी. तो ये गोंड्स की जो ट्राइब है ये प्रेजेंट थी सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में. ठीक है, तो अब मिडिवल पीरियड में कौन कौन सी ट्राइब ने कहाँ कहाँ पर किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल कैरी फॉरवर्ड की, या फिर किसी किसी ट्राइब ने रूल भी किया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स इन मिडिवल पीरियड वाले टॉपिक में. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देयर वर लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रेजेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड के टाइम पे अभी हमने पढ़ा इतनी सारी ट्राइब्स प्रेजेंट थी. अब इन ट्राइब्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है क्योंकि इनके कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे. इनके जितने भी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे वो मोस्टली ओरली पास किए जाते थे. मतलब उस टाइम पे क्या होता था, पोएम्स बनाई जाती थी या फिर गाने गा गा के लोग अपने ट्राइब्स या फेमस लोगों के बारे में बताया करते थे जगह जगह जाके. ये तक इस चीज को फॉलो किया जाता था पहले. रिटन डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते थे पहले के टाइम पे, तो इसी वजह से जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ट्राइबल पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो रिटन रिकॉर्ड्स में प्रेजेंट बहुत कम है. दूसरे रूलर्स के रिटन रिकॉर्ड्स में कई ट्राइब्स की मेंशंस मिल जाते हैं हमें, बट फिर भी ट्राइबल पीपल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटन रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है. हमें इनके बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हम इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं. ठीक है, तो उनकी जो ट्राइबल पीपल की बात, जितनी भी उनके बारे में जानकारी थी वो ओरली पास की जाती थी. हिस्टोरियंस ने उन ओरल सोर्सेज को यूज़ किया है और उसके बारे में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में मेंशन किया है अपने बुक्स में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो अकबरनामा बुक थी, हमने पहले ही पढ़ा अकबरनामा किसने लिखा है. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है, आपको पता करना है कि अकबरनामा के राइटर कौन है. ठीक है, सो गोंड्स ट्राइब का मेंशन हमें अकबरनामा में पाया गया है. इस ट्राइब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अकबरनामा में. तो मोस्ट ट्राइब्स जो थी वो आइसोलेटेड और रिमोट एरियाज में रहती थी, जिससे वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हुआ करता था. उनका ऐसे रहने का कारण ही यही था कि वो नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर्स उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनको डिस्टर्ब करें उनकी डे टू डे लाइफस्टाइल में. दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू लिव इन रिमोट एंड आइसोलेटेड एरियाज. ऑल्सो ट्राइब्स डिड नॉट इजीली लेट आउटसाइडर्स इनटू देयर रीजन. इजीली वो आउटसाइडर्स को अपने रीजन में आने भी नहीं देते थे. इसी वजह से जो ट्राइबल पीपल थे वो काफी सालों तक दूसरे लोगों से अलग ही रहे और प्रॉपरली आगे बढ़ सके. दे वर एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चर. वो अपने कल्चर को बचा के रख पाए इतने सालों तक क्योंकि उन्होंने आउटसाइडर्स को अपने एरियाज में, अपने रीजन में आने ही नहीं दिया. अब हमको कई सारी ट्राइब्स देखने को मिली है मिडिवल पीरियड में. कुछ ट्राइब्स स्मॉल थी, कुछ ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज थी क्वान्टिटी में. उनके मेम्बर, नंबर ऑफ मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा थे. Some of the more powerful tribes controlled large territories. अब जितनी जो powerful इन सभी tribes में, ये जो हमने tribes के नाम पढ़े, इनमें से जो powerful tribes थी
उन्होंने तो रूल किया, और जो कम पावरफुल ट्राइब्स थी उन्होंने रूलर जो थे उनकी बात को मानते हुए, उनकी बातें फॉलो करते हुए अपनी लाइफस्टाइल आगे कैरी फॉरवर्ड की। तो जो पावरफुल ट्राइब्स थे वो कौन कौन सी थी? खोखार्स एंड गक्कार्स, दे वर पावरफुल ट्राइब्स ऑफ पंजाब, अभी हमने पढ़ा। लंगाज और अर्गुन्स कहाँ के थे? मुल्तान एंड सिंध के थे। ठीक है, अकबर के रूल के दौरान जो घक्कर चीफ थे कमल खान, ही वॉज मेड अ मनसबदार। मनसबदार क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए। वापस से मैं बताती हूँ, मनसब लैंड को कहते हैं, और उस मनसब को का जो हेड होता है वो कहलाता है मनसबदार। ठीक है, तो अकबर की रेन में घक्कर ट्राइब के एक चीफ थे कमल खान, उनको मनसबदार बनाया गया। जो लंगाज और अर्गुन्स थे वो मुल्तान एंड सिंध की काफ़ी पॉपुलर ट्राइब थी, पावरफुल ट्राइब थी। नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ट्राइब्स देखने को मिली, जैसे कि अहोम्स, नागाज एंड खासीस। चीरो चीफडम्स एमर्ज्ड इन द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ बिहार एंड झारखंड, अभी जो रीजन बिहार और झारखंड कहलाते हैं वहां पर चीरोस ट्राइब थी। ठीक है, अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चीरोस। राजा मानसिंह जो थे अकबर के काफी फेमस जनरल थे, उन्होंने चीरोस ट्राइब को अटैक किया और उन्हें हरा दिया। काफी सारी उनसे उनके पास से काफी ज्यादा अमाउंट में जो गोल्ड होता है, वैल्यूएबल चीजें होती है, वो सारी सीज की गई और उस ट्राइब को पूरा लूट लिया गया। ठीक है, हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उस ट्राइब की जितनी भी चीजें थी, वैल्यूएबल चीजें थी, उनको लूट लिया गया। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, द चीरोस वर एबल टू रिवाइव ब्रीफली बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय औरंगजेब। अब हुआ क्या, अकबर के जो राजा मानसिंह थे फेमस जनरल, उन्होंने अटैक करा चीरोस ट्राइब को और उनकी काफी सारी वेल्थ लूट ली। उसके बाद चीरोस ट्राइब ने वापस इमर्ज होने की कोशिश करी, कुछ टाइम तक वो चली, बट फिर से एक और रूलर ने उन पर अटैक कर दिया और उनको हरा दिया। वो रूलर कौन था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम, दैट इज वाई औरंगजेब ने चीरोस को अटैक किया और उनको ओवरपावर कर दिया और हरा दिया। अब दूसरी जगह की बात की जाए तो मुंडाज और संथाल आती हैं, जो कि ओडिशा, झारखंड, बिहार, आसाम, बंगाल की काफी पावरफुल ट्राइब्स रही हैं। कौन सी? संथाल एंड मुंडाज। तो कोलीज कर्नाटका में रहते थे, महाराष्ट्र और गुजरात में कोलीज रहा करते थे। साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर कोरागाज, मारवाड़, बड़गाज एंड कोटास। तो ये सारी ट्राइब्स मैंने अभी आपको शुरुआत में चार्ट में समझा दी है। दे वर ओरिजिनली हंटर गैदरर्स बट दे बिकेम सेटल्ड फार्मर्स एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। पहले वो हंटर गैदरर्स थे, फिर वो एग्रीकल्चर करने लग गए। कुछ जो थे वो जमींदार बन गए 16th सेंचुरी तक, कुछ ट्राइबल पीपल जमींदार बन गए। द गोंड्स वर फाउंड अक्रॉस सेंट्रल इंडिया कंप्राइजिंग द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो इन सभी एरियाज में जो एक फेमस ट्राइब पाई जाती थी वो थी गोंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्राइबल पीपल की लाइफ किस तरह की हुआ करती थी, तो उस टॉपिक को हम इनिशिएट करते हैं। तो जो ट्राइबल पीपल थे मिडिवल पीरियड के, उनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन था वो हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग और नोमैडिक लाइफस्टाइल था या फिर फार्मिंग था। बट जैसे जैसे वो इवॉल्व होते गए, वो जब आउटसाइडर्स की कॉन्टैक्ट में आए, दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, तो उनके कुछ प्रोफेशन चेंज भी हुए जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट वो थे हंटर गैदरर्स, कुछ ट्राइब जो ऐसी थी जो कि हंटिंग और फूड गैदर करती थी। नेक्स्ट थे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स क्या होते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक मेथड ऑफ कल्टिवेशन है, उसमें एक लैंड को यूज किया जाता है, जिस लैंड पे कल्टिवेशन करना है उस लैंड की जितनी भी आउटग्रोथ हो रही होती है उसको जला दिया जाता है। उस जलाई हुई लैंड को फिर प्लो किया जाता है, वहाँ पे सीड्स डाले जाते हैं और वहाँ पर फिर से खेती की जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसका दूसरा नाम है झूम कल्टिवेशन। ठीक है, वहाँ पर पूरी जितना भी वेजिटेशन हुआ होता है उसको आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, फिर उस लैंड को कल्टिवेट किया जाता है। फिर जब उस लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर जब फर्टिलिटी ख़त्म होना मतलब अब वहाँ पर और कल्टिवेशन किया नहीं जा सकता, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह के दूसरे लैंड को यूज़ किया जाता है। वहाँ पर पूरा
बर्न कर दिया जाता है वेजिटेशन को, और यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो क्योंकि हम एक लैंड से दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई दिस मेथड ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेटल्ड कल्टिवेटर्स। तो सेटल्ड से आप सेटल्ड कल्टिवेटर नाम से आपको समझ आ रहा है, एक ही जगह उनके लैंड पे वर्क करते थे वो, और वहाँ पर कल्टिवेशन करते थे। उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफस्टाइल को तो गिव अप कर दिया और वो फार्मर्स बन गए। नेक्स्ट थे आर्टिसंस। आर्टिसंस थे जो वो क्या करते थे, अपने क्राफ्ट वर्क को एक्सचेंज कर लेते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। वो जो भी क्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस करते थे उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि गेहूँ या फिर चावल हुआ, तो इन चीज़ों के बदले वो एक्सचेंज कर लिया करते थे। और ये चीज़ क्या कहलाती है, बार्टर सिस्टम। ठीक है, आप पता लगाएंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है, और आपको आपका होमवर्क है कि आपको ये बार्टर सिस्टम के बारे में पता करना है और लिखना है इसके बारे में। ठीक है, सो द कोटास ऑफ नीलगिरीज सेल देयर वूमन क्राफ्ट वर्क इन दिस मैनर इवन टूडे। नीलगिरी पहाड़ों के जो कोटास ट्राइब है वो अभी भी यही काम करते हैं। दे आर यूज टू सेल देयर क्राफ्ट वर्क, वूवन क्राफ्ट वर्क करते हैं वो, और इसी तरह से वो बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ।